मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। शनिवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत पहले ही दिन उम्मीदवारों ने जिला निर्वाचन अधिकारी यानी इंदौर कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। सभी के द्वारा समय पर नामांकन की खानापूर्ति पूरी करने के लिए कलेक्टर ऑफिस के अलग अलग अधिवक्ताओं का सहारा लिया जा रहा है। वैसे यहाँ एक नाम काफी प्रसिद्ध है, मुना में अधिवक्ता प्रदीप होलकर का, जिनके द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। कई सालों से वो नामांकन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वहीं उनके हाथ से भरे गए फॉर्म से ही उम्मीदवारों को जीत मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। कुछ तो निर्दलीय पहले दिन अपना फॉर्म जमा करने पहुंचे, वहीं कई ऐसे भी उम्मीदवार थे जो अलग अलग पार्टियों से हैं। पार्टियों द्वारा अभी तक टिकट नहीं दिए गए हैं, इसलिए मीडिया से ये लोग बचते नजर आए, क्योंकि नाम तय होने से पहले अगर नामांकन की खबर पार्टी तक पहुंची तो दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं उनका टिकट काट सकते हैं। ये सोचकर उम्मीदवारों ने मीडिया से दूरी बना ली। वार्ड 54 रेसिडेंसी वार्ड 54 मुसाकेड़ी। किस तरह से लड़ेंगे चुनाव में, टिकट मांग रहे हैं, क्या है? देखिए, टिकट तो मांग रहे हैं, वैसे तो हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी में काम करते हैं, पर टिकट मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं निर्दलीय फॉर्म भर रहा हूँ। और पूरे वार्ड में मेरा पूरा संपर्क है, पूरे वार्ड में अनुसूचित जाति का वार्ड है, पूरे हमारे कास्ट के लोग हैं। श्रीमती भावना बागोरा, वार्ड 37, क्षेत्र क्रमांक 5, विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी से हैं आप, अभी तो घोषणा हुई नहीं है, फिर आप आ गए? जी हाँ, करेगी पार्टी, सबके लिए सोचती है, और हमने उनके लिए काम भी किया है, 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ध्यान रखेंगे, और मुझे पूरी आशा है ऐसा। किन मुद्दों को लेकर आप? मैं बिजली, पानी, सड़क, गार्डन का विकास, मंदिर का विकास, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हूँ। कैंपेन शुरू कर दिया है मैंने, और काफ़ी समर्थन मिल रहा है वहाँ के रहवासी। प्रदीप होलकर जी ने फॉर्म भरा? हाँ जी। क्या दिक्कत आई कुछ? नो, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे लीगल। उम्मीदवारों का अभियान बहुत अच्छा है, सब में उमंग है, सब में जोश है, हर कोई जीतना चाहता है, सबको बहुत शुभकामनाएं, सब जीते। और इस बार थोड़ा निर्दलीयों को बहुत अच्छा है कि 10 प्रस्ताव नहीं लगे, एक प्रस्ताव को उनका काम हो रहा है, लेकिन आपराधिक गतिविधि हर उम्मीदवार से मांगी जा रही है, उसके बाद कितना सोना चांदी नकदी बैंक डिबेंचर मकान है तो मकान की जानकारी मांग रहे हैं, उसकी कितनी कीमत है ये जानकारी मांग रहे हैं, घोड़ा गाड़ी है तो उसके नंबर के हिसाब से उसकी कितनी कीमत है आज के टाइम पे, ये सब जानकारियाँ मांग रहे हैं। और इसके अलावा उसको निर्वाचन अधिकारी मतलब सामान्य जाति का है तो उसको 5,000, अनुसूचित जाति का है तो उसे 2,500 रुपये जमा करना पड़ रहा है। तो पुरानी फीस बरकरार है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है? वही फीस कोविड काल के बाद सब नेताओं को भी थोड़ा संकुचित हो गए। वो आपकी फीस में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? नहीं, वैसे ही संकुचित में। आपकी फीस भी कम है? हम तो जैसा व्यवहार है वैसा काम जो दे देता है वो ले लेते हैं। कितने एफिडेविट भरना होंगे यहाँ पर कि एक एफिडेविट में सारी जानकारी? एक एफिडेविट में सारी जानकारी 400 कॉलम की। 400 कॉलम बड़ा कैसा लगता है जब ये भरने आते हैं नए लोगों का? जब उनको मोबाइल में पूछते हैं एक एक जानकारी तो उसमें समय बहुत ज़्यादा अधिक लग जाता है, एक एक जानकारी उनको मुँह जवानी याद नहीं रहती किसी को भी, इसमें इतने कॉलम है तो आदमी मोबाइल पर लगाता है, CA को लगाता है, घर पर लगाता है, फिर जानकारी देता है, तो इसमें समय का बहुत व्यर्थ होता है, आदमी तैयारी में नहीं आता है। पहले दिन क्या माहौल है? पहले दिन आज 3 जनों के फॉर्म जमा कर दिए हैं और बाकी तो सब अभी पार्टी का टिकट का इंतजार में है। अच्छा, ये है तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके रख रहे हैं कि जैसे टिकट हुआ भर के? और ये सब 90% यही कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? कि फॉर्म की तैयारी पूरी फुलअप कर रहे हैं, जैसे टिकट फाइनल हुआ कौन से वार्ड से होगा वो वार्ड लिखना है, वो जमा करना है। दोनों ऐसे ही कर रहे हैं सभी दोनों, यहाँ तो आम पार्टी के उम्मीदवार भी इस बार मैदान में।